अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डटकर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टलना चाहे। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो वहां क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप ये मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय ना होने का बहाना नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए उसको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ होता। यदि एक बार समय चला जाता तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वो काम कर लिया होता, काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा? कहीं आपके जीवन के समय रूपी खेत की लहराती फसल को कोई चिड़िया तो नहीं चुग रही? अगर ऐसा है तो उस चिड़ियों को तुरंत उड़ा दीजिए और बचा लीजिए अपने फसल को, बचा लीजिए अपने खुशी भरे जीवन को। वरना एक ही वाक्य आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता। जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल को उससे और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ करना चाहिए। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने वर्तमान के हर क्षण का सही उपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते और कल आने पर परसों, इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है
तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते। अपने आलस को अपनी जिंदगी से दूर रखें और उस काम को आज ही निपटा लें, कल पर ना छोड़ें। एक समय की बात है, एक राजा एक दिन अपने राज्य के भ्रमण पर निकलता है। कुछ दूर टहलते हुए जाता है कि उसे एक गरीब आदमी मिलता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, फटे पुराने कपड़े और पूरा शरीर गंदगी में लिप्त था। राजा को उस पर दया आती है। राजा अपने राज्य में ऐसे इंसान को देखकर परेशान हो जाता है कि उसके राज्य में बहुत तकलीफ में। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि उस गरीब के घर में चुपके से सोने की कुछ मोहरे रखवा देगा। उस दिन जब रात होती है तो रात के अंधेरे में राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि जाओ उस गरीब के घर में सोने की 1000 मोहरे चुपके से रखो। और साथ ही में एक पत्र राजा देता है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, ये सोने की मोहरे तुम्हारे लिए। राजा पत्र इसलिए रखवाता है गरीब आदमी इतने सोने के मोहरे देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मोहरे और राजा का पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रख आता है। अब राजा मन ही मन खुश था, उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं है। कुछ दिन बीतता है, एक दिन अचानक से राजा को उस गरीब की याद आती है तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब का हालचाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने उसके मरने का कारण पूछा तो गुप्तचर ने बोला कि महाराज वह गरीब आदमी कुछ दिन पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता था, बातें करता था, उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। लोगों ने बताया कि वह अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता रहता था, किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता था। लेकिन महाराज पास के राज्य में एक दिन किसी काम से गया था तो उसकी वह पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली, जिसके बाद वह बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसकी हालात पहले से भी खराब हो गई थी। पहले तो वह लोगों के बीच में बैठता था, बातें करता था, लेकिन जब से उसकी पोटली चोरी हुई तब से वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, इसलिए कोई भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। गुप्तचर पूरी बात कहते हुए राजा के सामने वह पोटली पेश करता है जिसमें 800 सोने की मोहरे होती है। राजा इन मोहरों को देखकर पहचान जाता है कि ये वही मोहरे थी जो राजा ने उस गरीब के घर में रखवाई थी, परंतु राजा ने तो 1000 मोहरे रखवाई थी, ये तो सिर्फ 800 है। राजा समझ जाता है कि वह गरीब आदमी 200 मोहरों की पोटली को लेकर घुमा करता था, जिसके चोरी हो जाने के बाद वह सदमे में चला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यह ना कि गरीब आदमी पागल था, 800 मोहरें बची थी, उसे अपना जीवन बेहतर बना सकता था, यही सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही सोने की मोहरें हटाकर उसे वक्त बोल दूं तो, जो थोड़ा सा गया है लेकिन ज़्यादा आना भी बाकी है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता था, जो खराब हो चुका है उसके बारे में सोचकर खुद को बर्बाद मत कर, जो बचा है उसे संवार लो। आशा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी एक दिन जरूर संवार लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।